बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक सबको अपने ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम लोग देगी पालक गोश्त तैयार करेंगे, जिसमें मैंने 1.5 किलो पालक ली है। इसको मैंने अच्छे से साफ करके और बहुत अच्छी तरह धोया है, धो के तो काट के रखा हुआ है। 1/2 किलो मेरे पास मटन का गोश्त है, इसको मैंने अच्छे से साफ करके धो के रखा हुआ है। 1 कप दूध है, 4 चम्मच दही, 2 टमाटर हैं जिनके मैंने छिलके उतार के काट के रखा हुआ है, 1 मीडियम साइज की प्याज, इसको मैंने स्लाइस भी काट के रखा हुआ है, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 लहसुन की पूरी डली जिसे मैंने छील के रखा हुआ है, 2 टीस्पून अदरक को मैंने चॉप किया हुआ है, 4 चम्मच धनिया बारीक कटा हुआ, 1 हरी मिर्च को काट के रखा हुआ है, 2 साबुत हरी मिर्च, ये कुछ साबुत मसाले हैं जिसमें मैंने 10-15 काली मिर्च, 1/2 टीस्पून जीरा, 2 दालचीनी, 2 काली इलायची, 4 ग्रीन इलायची, 4 लौंग। तो चलिए शुरू करते हैं, गोश्त ऐड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्याज ऐड कर लेते हैं, अदरक लहसुन ऐड कर लेते हैं, आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, टमाटर ऐड कर लेते हैं, चिली फ्लेक्स और लाल मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ सूखा धनिया, नमक, नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, साबुत मसाले, 2 ग्लास पानी ऐड किया, मिक्स कर लेते हैं, कुकर को बंद कर देती हूँ, चूल्हा ऑन कर लेते हैं। दरमियानी आंच रखिएगा, 4-5 सीटी आने का वेट करते हैं। कुकर को मैंने दूसरे चूल्हे पर रखा है, तो इसमें हम पालक उबालने के लिए रख देते हैं। पालक को ऐड कर लेते हैं, पानी ऐड कर लेते हैं 1.5 ग्लास, इसको हम उबलने के लिए रख देते हैं। हमने इसको 70% गिलाना है। पालक भी हमारी गल गई है माशाल्लाह, तो पालक मैं निकाल लेती हूँ, चूल्हे को बंद कर देती हूँ। तो ये देखिए, पालक मैंने अलहदा कर लिया है और पानी को मैंने अलहदा कर लिया है। पानी को आप फेंकेगा नहीं, इसके अंदर थोड़ा सा गुनाकटा जीरा, नमक और लीमू का रस जो है ना वो डाल के तो आप पी सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। पालक को हम ग्राइंड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो पालक को हमने ग्राइंड कर लिया, इसे हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, हमने ये मैच कर लिया, इसी तरह मैं सारी काट के तो आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह। तो ये देखिए, मैंने पालक को ग्राइंड कर लिया, इसे अभी हम साइड पे रखते हैं। 4-5 सीटियां आ गई है, प्रेशर निकाल लेते हैं, कुकर को मैं खोल लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चूल्हे को दोबारा से ऑन कर लेते हैं। तो ये देखिए, गोश्त माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल गया हमारा, आप देख सकते हैं। पानी खुशक हो जाता है, फिर इसमें हम ऑयल डालते हैं। तो देखिए, पानी खुशक हो गया, अब हम इसमें ऑयल डालते हैं। 1/2 कप मैंने ऑयल डाला है, दही ऐड कर लेते हैं, इसे हम तब तक भूनते हैं जब तक दही की स्मेल नहीं खत्म हो जाती। इसकी मैं 10 मिनट तक भुनाई करती हूँ अच्छे से। तो ये देखें, हमने 10 मिनट गोश्त को भून लिया, बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारी माशाल्लाह खुशबू आ रही है। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा भुना गया माशाल्लाह गोश्त। तो अब हम इसमें पालक ऐड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिक्स कर लेते हैं। 1 कप दूध ऐड करने लगी हूँ, आप ऐड करना चाहें तो कर लीजिएगा वरना स्किप कर दें, मगर इससे टेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा आ जाता है, क्रीमी क्रीमी इसका जायका हो जाता है। अभी हमने पालक ऐड की है, तो इसको अभी हम भुनेंगे गोश्त के साथ और अच्छी तरह।
तो देखिए पालक को मैंने अच्छे से भून लिया है, बहुत टेस्टी तैयार हुआ है माशाल्लाह सालन। धनिया और हरी मिर्च ऐड कर लेते हैं। तो देखें ये माशाल्लाह बहुत अच्छा माशाल्लाह सालन तैयार हो गया हमारा, बहुत टेस्टी तैयार हुआ है माशाल्लाह। तो चूल्हे को मैं बंद कर देती हूँ, इसे मैं डिश आउट कर लेती हूँ। थोड़ा सा घी ऊपर ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा देगी आलू गोश्त बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी तैयार हुआ है। इस तरीके से आप भी बनाएं, इंशाल्लाह आपसे भी बहुत ही अच्छा बनेगा। आप इसे नान के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, माशाल्लाह आपको हर तरह ही बहुत ही लजीज लगेगा, बहुत ही मज़ा आएगा आपको खा के। तो इसी के साथ मुझे आप इजाज़त दें, कल इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात करूँगी आपके साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे अपने दुआ में शामिल रखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।